इस दशक में जो भी बड़ी एक्टिविटीज हुई वो इत्तेफाकन 1985 के बाद ही हुई। कुछ बेहद जरूरी एक्ट पास हुए, संवैधानिक संशोधन हुए, इनमें से कुछ का असर तो मुद्दतों तक दिखने वाला था। जैसे द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये अधिनियम वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 के तहत बने केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों के समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन के लिए जमीन तैयार करता है। इस कानून की प्रेरणा 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट से ली गई थी और इसे भोपाल गैस त्रासदी के बाद फौरन लागू कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए जरूरी उपाय करने का अधिकार है। उद्योगों के स्थान को विनियमित यानी रेगुलेट करना, खतरनाक और प्रदूषण फैलाने वाले कचरे का प्रबंधन करना और जन स्वास्थ्य तथा कल्याण को संरक्षण देना इसका लक्ष्य है। इसके लिए सरकार समय समय पर अधिसूचनाएं जारी करती रहती है। आज के दौर में जब पर्यावरण का क्षरण तेजी से हो रहा हो तो ऐसे कानून की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। इस एक्ट की खासियतें देखते हैं। इसके तहत पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना और क्रियान्वयन शामिल है। पर्यावरण की गुणवत्ता के लिए मानकों को निर्धारित करना है। पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानकों को निर्धारित करना है। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करना जहां किसी भी उद्योग के संचालन या प्रक्रिया पर प्रतिबंध रहेगा या सीमित अनुमति होगी। उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाना जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो। खतरनाक पदार्थों से निपटने के लिए प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों को बनाना। पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं से संबंधित जांच और अनुसंधान को बढ़ावा देना। पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए किसी भी परिसर, संयंत्र, उपकरण, मशीनरी, विनिर्माण का निरीक्षण कर रोकथाम के लिए कदम उठाना। पर्यावरण प्रयोगशालाओं और संस्थानों की स्थापना और मान्यता देना। पर्यावरण प्रदूषण से जुड़े मामलों के संबंध में सूचना इकट्ठा करना और प्रसार करना। We request Mr. Eric Solheim and also Mr. Antonio Guterres to kindly confer the 2018 Champions of the Earth Award on our Honorable Prime Minister. May I request you please step forward. साल 2018 पर्यावरण के मुद्दों पर भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण रहा। इसी बरस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूनाइटेड नेशंस का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उन्हें संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक मंच पर उनके साहसिक पर्यावरण नेतृत्व के लिए दिया, खासतौर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना के लिए, जिसने दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक ठोस शुरुआत की। मैं सम्मान के लिए संयुक्त राष्ट्र का हृदय से आभारी हूं। फिलहाल EPA एक्ट के अलावा इस देश में वायु, जल और वन्य जीव सुरक्षा जैसे मुद्दों पर 30 से ज्यादा कानून हैं। संविधान का आर्टिकल 47 कहता है कि सरकार औषधि उद्देश्यों और औषधियों के अलावा नशीले पेय जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, उनके सेवन को प्रतिबंधित करने का प्रयास करेगी। भारत अतीत में ड्रग्स के मुद्दे पर हुए 3 संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों के नतीजों पर दस्तखत कर चुका है। इनमें कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स 1961, कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस 1971 और कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस 1988 शामिल हैं। इस तरह हम पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व भी है। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 यानी NDPS इसी दिशा में उपजी सोच का अंजाम है। ये अधिनियम मेडिकल और साइंटिफिक पर्पस के अलावा नशीली दवाइयों और साइकोट्रॉपिक पदार्थों के निर्माण, उत्पादन, व्यापार, उपयोग को प्रतिबंधित करता है। हालांकि मद्य निषेध और नशीले पदार्थों से जुड़े मुद्दे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आते हैं, पर इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की होती है।
मंत्रालय इस क्षेत्र में काम करने वाले तमाम एनजीओस को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय, जो जन स्वास्थ्य जुड़े मुद्दों के लिए बुनियादी तौर पर जिम्मेदार है, देश भर के सरकारी अस्पतालों में नशा मुक्ति केंद्र चलाता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो कि होम मिनिस्ट्री के अधीन है, एनडीपीएस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य के अधिकारियों के बीच समन्वय बैठाता है। इसके अलावा राज्य सरकारों के अपने स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग भी हैं, जो ड्रग डिमांड रिडक्शन सेंटर्स चलाते हैं। एनडीपीएस एक्ट में 5 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर एक निश्चित विषय पर आधारित है। चलिए देखते हैं एनडीपीएस एक्ट की खासियतें। पहले चैप्टर में नशीली दवाओं और पदार्थों की परिभाषा है। इसमें केंद्र सरकार के पास इस सूची में विषय छोड़ने या जोड़ने के अधिकार दिए गए हैं। दूसरा चैप्टर, इसमें एनडीपीएस अधिनियम के तहत बनाए गए जरूरी पद और अधिकारियों का विवरण है। केंद्र सरकार के लिए एक नारकोटिक्स आयोग की नियुक्ति का भी प्रावधान है। इसके अलावा नारकोटिक्स ड्रग और साइकोट्रॉपिक पदार्थ परामर्श समिति की स्थापना भी इसका लक्ष्य है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय कोष का वित्त पोषण भी इसका मैंडेट है। तीसरा चैप्टर, इसमें नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों के निषेध, नियंत्रण और विनियमन की बात की गई है। इसमें कोका पत्ता, अफीम, खसखस या किसी भी भांग के पौधे की खेती या उत्पादन पर निषेध लगाया गया है। इसका कानूनी अधिकार केंद्र और राज्य सरकारों तक सीमित किया गया है। चौथा चैप्टर, ये एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध और दंड से संबंधित है। इसमें संभावित अपराधों की सजा अवधि बताई गई है। पांचवा चैप्टर, इसमें केसों से निपटने की प्रक्रिया का वर्णन है। इसके साथ अधिकारियों के लिए दिशा निर्देशों का भी निर्धारण किया गया है। यह अधिनियम 3 बार 1988, 2001 और 2014 में संशोधित किया गया है, जिससे इसके दायरे और दिशा में भी बदलाव आया है।